पहले मैं आज़ादी के निमित्त में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस आज़ादी के लिए जो भी हमारे स्वतंत्र सैनिक जिन्होंने अपना प्राण दिया है, मैं उनको सबको अभिवादन भी करता हूं। देश की आज़ादी ये सिर्फ जीने के लिए नहीं पर वस्तु स्थिति में होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ देश में आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब आने के बाद कश्मीर में जो पहली बार जो अच्छा कुछ हो रहा है तो उसको मैं आज़ादी मानता हूँ। रही बात मराठा समाज के बारे में, तो मराठा समाज को भी अभी आज़ादी मिलने वाली थी रिजर्वेशन के माध्यम से, पर वो जल्दी से मिलेगी। आज़ादी का मतलब जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज़ादी का पूरा उपयोग ये देश के महिला लोगों को यूज करना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।